이 캔티나 치즈 서비스 미드는 그 다음 와서 이 하나 숙제 모아서 니가 다음 템이 칼리지 به مختلف تایم تیبل یا میشه وازه؟ نه مون جوتی که موشه ریسیس موشه خب دیگه نورمالی چیز اینا را پروواید موشه چیز اویلیبل ها؟ این است هر چیز است فیلال جوتی های بچه ها کم ماینال اگزام شیه خب امی جوس است مختلف کول درینک ها اور سنیکس ها نه؟ ناک اوت لوسی ان بوی بوی जाने का टाइम है भूख लगी है थक गए हैं थक गए है ना तो बस आप एनर्जाइज हो जाओ आज आपने कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की इसीलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा ये लोग बीएस वाले में जो है ना वो लर्निंग पावर पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप कौन से वाले आप फर्स्ट ईयर वाले हो ना इसीलिए आपको तो वैसे अभी शुरू करना चाहिए लर्निंग पावर का नाम सुना है कभी वो क्या होता है हाँ ये क्या होता है भाई कोई बताए लर्निंग पावर क्या है इसके ऊपर आज कॉन्फ्रेंस है जाफर साहब यूके से आए हैं और वो बीएस वाले ब्लॉक में इस वक्त चल रहा है सेशन उनका तो आज को थोड़ा कवर किया तो आप लोग तो फर्स्ट ईयर वाले हो अभी जल्दी छुट्टी हो गई हो फारिग हो लेकिन ये आपसे भी रेलेवेंट है अगर आपके पास ये पावर है तो ठीक है आपका आना जाना यूज़फुल है अगर बस पावर ही नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं यूनिफॉर्म पहनने से कुछ नहीं होता सरमखलास हो तो आप मुझे क्या बताएं कि क्या है लर्निंग पावर ये कौन सा पावर है किस तरह का पावर है बताओ मैं बताऊं सब सरेंडर है हाँ तो पर है अच्छा देखें जाने मन पावर के बगैर आप अपना एक्सप्रेशन नहीं कर सकते चाहे राइटिंग में हो स्पीकिंग में हो रिलेशनशिप में हो फैमिली वालों के साथ हो करियर के बारे में हो आपका फैसला करने का पावर तो अभी आप आते हो जाते हो अगर वो पावर जो चाहिए जो आपको एक लर्नर बनाता है कि जो आपको सामने आए जज्ब हो जाए ठीक है ना वो सूरत हाल आप लोगों के लिए इसलिए मुश्किल है कि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो वहाँ पर हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ टीवी था अभी आपके जेब में पूरी दुनिया पड़ी हुई है अलादीन का चिराग आपकी जेब में है But you don't know what to ask for. क्यों उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो एक पावर है लर्निंग का पॉजिटिव होना हर चीज़ में कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए सीखना ये दूसरा आप अपना एक्सप्रेशन चाहते हो या अपना डिप्रेशन चाहते हो अभी तो एक साल दो साल तीन साल आप निकल जाओगे ये यूनिफॉर्म भी छोड़ देंगे पीछे जिस तरह हमने छोड़ दिया फिर जब आप जाओगे जहाँ से आपसे एक्सपेक्टेड अभी तो नहीं कर अभी सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चा पढ़ रहा है हाँ जी जी पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहे हो जी कॉपी कर रहा हूँ डीटो कॉपी आपके पास दो रास्ते हैं अगले 10 साल की बात कर रहा हूँ ये सवाल है मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ इन द लाइब्रेरी वो गजल जब आप कुछ काम करेंगे फिर गजल भी हो जाएगी व्हाट डज इट से Ideas are your only currency. इस किताब का नाम है इसके पीछे जो है मैं वो पढ़ रहा हूँ ये आप देखें इसको सवाल ये है कौन सा कह रहा था मुझे मिलियनर बनना है मॉर्निंग में जब मैं आया तो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट तो कहते मैं मिलियनर बनना है फिर मैंने कहा फिर क्या तो बोलते बिलियनर मैंने कहा तू तो करेंसी काउंट कर रहा है यार पुरानी बात है इसकी बात करो आइडियाज अच्छा वो कैसे वो इस तरह अच्छा सवाल मसला सवाल से निकला है से हमजा सीन हमजा लाम सहला अरबी से सवाल है अरबी सवाल क्वेश्चन व्हाट स्किल्स विल आई नीड टू प्रॉस्पर इन 5, 10, or 20 years टाइम क्या बोला व्हाट स्किल्स Will I need? कैसे मुझे क्या आना चाहिए अगले 5, 10 और 20 सालों में कि मैं तरक्की कर सकूं?
ये आपका सवाल भी है? जिसका सवाल है हाथ ऊपर उठाए. इज इट योर क्वेश्चन? कि आपके भी सवाल है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, जो भी है, क्या ये सवाल आप भी पूछ रहे हैं? कि मुझे क्या आना चाहिए अगले 5, 10 या 20 सालों में कि मैं तरक्की कर सकूं, आगे बढ़ूं? आपके भी सवाल है? इसका जवाब ये है कि यू आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ही गलत है बाबा. दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग. कौन सा क्वेश्चन? अगले 5-10 सालों में क्या करूँगा? स्किल्स. मुझे क्या आना चाहिए? यार ये आ जाओ, ये इसी को बड़ा तुम्हारा फ्यूचर. क्या फ्यूचर? ये सवाल है कि मुझे क्या आना चाहिए कि अगले 5, 10, 15 साल में, 20 सालों में मुझे क्या आना चाहिए जमाने में चल सकूँ और मैं कैंसल ना हो जाऊँ? अगर आप एक्सपायर हो अपने ज़माने के हिसाब से, फिट नहीं हो तो आप एक्सपायर हो ना. आप तो इसको भी फेंक देते हो जब इसका अपडेट हो जाता है ना, तो लोग फिर आपको फेंकना शुरू कर देंगे. जब आप एक्सपायर हो, आप वो नहीं कर सकते हो. आप मशीन से बेहतर काम कर सकते हो, इससे फास्ट काम कर सकते हो. नहीं, आप क्या कर सकते हो? वो चीज़ जो मशीन ना कर सके, वो क्या है? अच्छा, तो जब ये सवाल पूछा गया तो उसने बोला ये और आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन. सवाल ही गलत है सिरे से कि 5-10 सालों में मैं क्या करूं कि मुझे जो है ना तरक्की मिल जाए और मैं वाकई खुश हो जाऊं. यार दैट्स राइट, मैं जो है ना, आई हैव गॉट माय जॉब, आई हैव गॉट माय लाइफ, आई यू नो, क्या मुझे चाहिए? बोलते तुम सवाल गलत पूछ रहे हो. फूल लेना के लिए ये सवाल ही गलत है. अच्छा, और थोड़ी एक ही हो गई. स्किल्स जो भी आप सीखते हैं, कंप्यूटर में सीख रहा है, इंजीनियरिंग में सीख रहा है, मेडिसिन में सीख रहा है, पता नहीं फलाने में सीख रहा है, विश में सीख रहा है, जो भी तुम सीख रहे हो, जैसे सुबह उठते हो वो एक्सपायर है. जी हाँ. है कि नहीं? स्किल्स बिकम आउटडेटेड द मोमेंट यू लर्न देम. नॉलेज गेट्स सरपास्ड इंस्टेंटली. अभी जाओ देखो घर में खबर ही कोई और है. नई बातें हैं भाई, ऑनलाइन में क्या चल रहा है भाई, फलाना नया नया आता है. अच्छा तुमने वो तुमने ये देखा है, सो ये इस तरह हो रहा है, वो हो शेयरिंग हो रही है. मुसलसल चेंज है. आप लोग तो गेम में नहीं हो ना, जब गेम में आओगे फिर पता चलेगा कि क्या मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए. इफ यू वांट, आई वांट टू पे अटेंशन टू दोस पीपल हु आर लिसनिंग. इफ यू वांट टू फ्यूचर प्रूफ योरसेल्फ. फ्यूचर प्रूफ बोले तो फ्यूचर जब आ जाए ना तो आपको डैमेज ना करे जालिम. बहुत तेजी से चेंज हो रहा है आपका फ्यूचर. हमारा फ्यूचर तो थोड़ा सा आहिस्ता चेंज हो रहा था. यस सर. 96 में मैंने कॉलेज फिनिश किया,